जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में हम लोग ठीक है। देखिए इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में आपको क्या पढ़ाए थे, उत्सर्जन के कुछ बेसिक दिए थे आपको ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र को स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है। देखिए कुछ वैसे भी जीव होते हैं जो निम्न कोटि के जीव होते हैं, वो उत्सर्जित चीजों को कैसे बाहर निकालते हैं, वो अपने बॉडी के सर्फेस के द्वारा डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कुछ विकसित जीव होते हैं जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, उनमें चीजों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करने के लिए कुछ विशेष प्रकार का अंग दिया जाता है या अंग तंत्र होता है ठीक है। उसको मिला के पूरे चीजों को जिससे वो उत्सर्जित करते हैं उसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं ठीक है। बेसिकली मानव में उत्सर्जन के लिए अधिक जिम्मेदारी मतलब जिम्मेदारी को निभाता है ठीक है। वृक्क में कई और भी भाग होते हैं ठीक है। जैसे वृक्क हो गया, मूत्र नलिका हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्र मार्ग हो गया ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लोग ठीक है। देखिए हम लोग में जो किडनी होता है यही उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है ठीक है। किडनी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, किडनी होता कैसे, इस किडनी के बाहरी संरचना। अभी हम लोग इसके अंदर जाके नहीं देख रहे हैं, इसके बाहर इस किडनी को हम लोग बाहर से देख रहे हैं किडनी दिखता कैसा है, क्या है किडनी ठीक है। देखिए किडनी जो होता है ये उधर हुआ मतलब ये हमारे पेट के पीछे के साइड में होता है। कहाँ होता है जी, पेट के पीछे के साइड में, यहाँ पे हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक हम फोटो बना रहे हैं ठीक है, किडनी का थोड़ा सा हम फोटो बना रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। वैसे तो परफेक्ट हमसे कोई फोटोज बन नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। ये हो गया, ऐसा दिखता है हमारा किडनी ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दो किडनी होते हैं, एक इधर एक इधर, एक लेफ्ट एक राइट ठीक है। दो किडनी होते हैं हमारे पास ठीक है। ये कहाँ होता है जी, पेट के पीछे के साइड में होते हैं। देखिए हम पढ़ाने के लिए इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको उतना पढ़ना नहीं है। पढ़ाने के लिए हम आपको बता चुके हैं ये थोरैकिक वर्टेब्रा T12 और थर्ड लंबर के बीच में स्टार्ट होता है। अब आपको समझ नहीं आएगा लंबर क्या है, थोरैकिक क्या है ठीक है, इसलिए आपको नहीं समझा रहे उतना। देखिए जो किडनी होता है ना ये उधर हुआ मतलब पेट के पीछे के साइड में होते हैं, इतना तो समझ में आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर करें, कठोर, इसका कलर कैसा होता है, किस रंग का होता है किडनी, ये कठोर लाल भूरा रंग का मतलब रेडिश ब्राउन होता है। ये किडनी कहता है कठोर लाल भूरा रंग का होता है या रेडिश ब्राउन होता है ठीक है। और इसमें ये बीन शेप, देखिए बोरो सेम देखें, उसका बिया निकालिएगा ना सेम इसी तरह होता है, सेम का बिया, इसीलिए बोल रहे हैं बीन शेप का होता है ठीक है। किडनी कैसा होता है, बीन शेप का होता है ठीक है। उसके बाद कितना होता है, एक जोड़ा माने दुगो, एक जोड़ा मतलब दुगो, एगो एने दुगो हो गया ठीक है। किडनी कितना होता है जी, एक जोड़ा। उसके बाद कह रहा है कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, मतलब इसे लंबाई मापिए ना तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा ठीक है। और 5 से 6 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है, ये जो चौड़ा बनेगा 5 से 6 सेंटीमीटर बनेगा। और 2 से 3 सेंटीमीटर इसका मोटाई होगा, मोटाई नापिए काट के 2 से 3 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है ठीक है। अब देखिए ये बाहर से मतलब ये बाहर वाला भाग है, ये बाहर वाला भाग है ठीक है। ये बाहर से कैसे दिख रहा है जी, कॉन्वेक्स दिख रहा है, कॉन्वेक्स ठीक है। और अंदर से देखें मतलब ये अंदर वाला भाग है इसका, अंदर से अगर हम देखें कि ये कॉनकेव, केव मतलब गुफा ठीक है। ये गुफा कहीं तक धौसल दिख रहा है, गुफा में है दिख रहा है आपको, कॉन्वेक्स कॉनकेव यही है ठीक है। किडनी के बारे में इतना आपको जानकारी मिल गया होगा, अगर नहीं मिला होगा तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। अब चलिए जो किडनी होता है ना हम लोग का, अब कितना लोग सोचता है कि किडनी जो होता है पीछे के साइड में दोनों एक ही पोजीशन में, मतलब दोनों ना किसी के ऊपर ना किसी के नीचे, दोनों एक दूसरे का पैरेलल होता है एकदम बराबर। हम आपको बता दें कि एकदम मतलब किडनी बराबर नहीं होता, क्यों नहीं होता है जी, एक ऊपर और एक नीचे होता है। काहे काहे ऊपर नीचे होते सर, देखिए जो हम लोग का राइट वाला किडनी है ना, राइट वाला किडनी ये हल्का सा नीचे होता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ये लीवर, यहाँ पे लीवर होता है हम लोग का, लीवर होने के कारण ये हल्का नीचे होता है और लेफ्ट वाला हल्का ऊपर होता है ठीक है। तो किडनी हम लोग का थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है। ये तो हो गया किडनी के बाहर के बाद बाहरी बात हम लोग जान लिए, लेकिन अब आइए किडनी के अंदर हम लोग आते हैं ठीक है। किडनी होता कैसे है, हमारे पेट में कैसे इसको अरेंजमेंट किया गया है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते। तो हम लोग ब्रिक के बाहर की संरचना के बारे में जान चुके हैं ठीक है। भाई हम लोग ब्रिक के अंदर आते हैं ठीक है। ब्रिक के अंदर क्या क्या होता है, ब्रिक के थोड़ा मतलब डिटेल में जानते हैं ठीक है। वो तो हम लोग केवल उसका शेप साइज कलर वगैरह देखे थे, लोकेशन देखे थे ठीक है। देखिए जो ब्रिक हमारा होता है ना कुछ इस प्रकार के अरेंजमेंट में होता है ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए, अभी इसका हम नामकरण करने वाले हैं ठीक है। इसको बोलते हैं सीरा, क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं हम लोग सीरा ठीक है। और ये जो नलिका है इसको बोलते हैं धमनी, क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। और ये जो बबुआ है इसी को बोलते हैं ब्रिक, इसको बोलते हैं ब्रिक ठीक है।
समनी सीरा हो गया, धमनी हो गया, ब्रिक हो गया। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं जी, इसको क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिका। इसको बोलते हैं हम लोग मूत्र वाहिका, इसको बोलते हैं मूत्र वाहिका। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं मूत्राशय, मूत्राशय। ठीक है, जो ई दिख रहा है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मूत्र मार्ग। ठीक है, अब देखिए जो किडनी हमारा होता है ना, एक पतला झिल्ली के द्वारा बंद होता है। ठीक है, ये पतला झिल्ली के द्वारा ऐसे, इसको ऐसे 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 करके पतला झिल्ली के द्वारा ये दोनों किडनियां हम लोग का बंद होता है। ठीक है, जो ये दोनों किडनियां जो पतला झिल्ली के द्वारा बंद होता है, यहीं से एक नली निकलती है, यहीं से एक नली निकलती है। और जो है झिल्लिया है ना, उसको जो बंद किया है उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं झिल्लिया को? हाइलम। इसको हम लिख देते हैं, ये कौन सी का झिल्ली है, यहाँ पे लिखते हैं हाई, इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं हाइलम के स्थान से या फिर हाइलम के नीचे से हमारा मूत्रवाहिका निकल के पीछे के साइड से होते हुए ये मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय एक नाशपाती का आकार, देखिए बोले ना, मूत्राशय एक नाशपाती का आकार का एक लाइक बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करते हैं जी, हमारे टॉयलेट को स्टोर करते हैं और समय समय पे मूत्र मार्ग के द्वारा उसको बाहर निष्कासित करता रहता है। ठीक है, देखिए जो यहाँ से है ना, ये सीरा में यहाँ से दो रेनल आर्टरी और रेनल वेन यहाँ से जुड़े रहते हैं। ठीक है, रेनल आर्टरी और रेनल वेन यहाँ से दोनों किडनी में हमारे जुड़े रहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए जो किडनी है ना, किडनी यहाँ में, इसको एक और छोटा सा यहाँ पे आपको किडनी बना के दिखाते हैं। देखिए, तो अभी हम लोग किडनी को बाहर से देखे थे। ठीक है, अभी हम लोग किडनी के बारे में बस बाहर से ही एनालिटिक्स कर रहे थे, बाहर से ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम क्या कहें, एक किडनी को उठा के लाए हैं, बस एक किडनी को यहाँ से उठा के लाए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको थोड़ा हम जूम करके इसका इमेज बनाए। ठीक है, देखिए किडनी की जो बाहर वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं जी? कॉर्टेक्स। ठीक है, किडनी के बाहर वाला पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो किडनी के जो अंदर वाला भीतरी वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं मेडुला, मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला, देखिए जो भीतरी वाला पार्ट है उसको मेडुला, जो बाहरी वाला पार्ट है उसको कॉर्टेक्स। आई देखिए जो फराफटा खाने तीनों दिख रहे हैं ना, पिज्जा खानी, पिज्जा जैसे ना काटते हैं जी। ठीक है, इसको बोलते हैं पिरामिड। ये क्या है जी? पिरामिड, पी राइट मिड, पिरामिड का स्पेलिंग सही है, देखिए तो। चलिए पिरामिड, इसको बोलते हैं पिरामिड। ये प्रत्येक किडनी में कितना पिरामिड होता है जी? 15 से 16 पिरामिड होता है प्रत्येक किडनी में। कितना प्रत्येक में कितना होगा? 15 से 16 को पिरामिड होगा। ठीक है, ये 15 से 16 को प्रत्येक किडनी में पिरामिड होगा, मतलब दोनों मिला कितना होगा? 30 से 32 को पिरामिड होगा। चलिए और बस एक पिरामिड को हम लोग निकाल के यहाँ पे इसका फोटो बनाते हैं। ठीक है, एक पिरामिड, पिरामिड कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पिरामिड होता है। अब जो पिरामिड होता है ना, इसका क्या काम है? अब देखिए मेन खेल यहीं से शुरू हो रहा है पिरामिड का। ठीक है, पिरामिड में हमारे लगे होते हैं कुछ इस प्रकार के औजार, कुछ इस प्रकार के हमारे औजार लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, और जाके ऐसे खुलता है, ऐसे जाके फिर जाता है ऐसे। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं जी? पिरामिड में होते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, ये जो नेफ्रॉन कितना होता है, नेफ्रॉन एगो पिरामिड में ये कितना होते हैं? एगो पिरामिड का हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना हमको जरूर मालूम कि दोनों ब्रिकों में मिला की करीब करीब 1 मिलियन तक होते हैं। 1 मिलियन होता है कि क्या? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। तो अभी देखिए ये जो है हमारा पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड में क्या लगा रहता है जी? नेफ्रॉन। एक बात और आपको बताते हैं, जो नेफ्रॉन होता है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, नेफ्रॉन, इसको ना ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में हर एक साल एक क्वेश्चन देता है, एक नंबर कंफर्म हो गया आपको, यहीं से एक नंबर कंफर्म हो गया। क्या देता है जी? ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होती है? याद रखिएगा, ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यही है नेफ्रॉन। ठीक है, देखिये नेफ्रॉन क्या होता है ना, ये पिरामिड से हल्का लगा होता है, नेफ्रॉन पिरामिड से लगा होता है। ठीक है, और ये जो नेफ्रॉन होता है, इसका पीछे का भाग जिसको कलेक्टिंग डॉक, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, नेफ्रॉन ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आके मिलता है किसमें? पिरामिड में। पिरामिड ऐसे खुलता है इसमें, इसको पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, ये पेल्विस आता है किसमें? मूत्रवाहिका में खुलता है। मूत्रवाहिका किसमें खुलता है? मूत्राशय में खुलता है। मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा हमारा टॉयलेट बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन का
अभी हम लोग कार्य देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देख लो, क्लास 10वीं के क्लास लगातार चलाते आ रहे हैं यूट्यूब पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है। उसमें बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। हम लोग यूट्यूब पे लगातार मेहनत करते आ रहे हैं और अपने वीडियोस को एक सरल माध्यम के तरीके से आपको पहुंचाते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, आपको लगता हो कि ये वीडियो हमारे लिए यूजफुल या फिर मतलब उपयोगी रहा हो, ठीक है, तो आप अपना प्यार एक लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा हमारे पास जाहिर कर सकते हैं। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।